सो गाइज फाइनली OB37 अपडेट आ चुका है। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि OB37 अपडेट आने के बाद में जो अपने ईवीओ फीस्ट है, ईवीओ बंडल है, ईवीओ गन है, हाइपर बुक वगैरह, इन सब के लीक निकल के आ जाएंगे। और आज से FFWS इवेंट भी स्टार्ट हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में गाइज ईवीओ फीस्ट के बारे में बात करेंगे, उसका फुल लुक फुल रिव्यू आपको दिखाऊंगा एंड कन्फर्म डेट एंड इवेंट भी बताने वाला हूँ। FFWS इवेंट स्टार्ट हो चुका है, उसमें आपको कई सारे फ्री के रिवॉर्ड दिए जा रहे हैं एंड काफी सारे तगड़े तगड़े आइटम वगैरह आने वाले हैं। और यार काफी सारे ओपी ओपी से इमोटी भी आने वाले हैं, तो इन सब के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। वैसे आप लोग बताओ कमेंट बॉक्स में आपको ये OB37 अपडेट कैसा लगा। लिटरली गाइज मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, जैसा सोचा था वैसा ही आया। एंड इसके अंदर गाइज और भी कई सारे नए इवेंट कोलेब्रेशन आने वाले हैं, जैसे कि विंटर लैंड इवेंट आएगा एंड आपके कोलेब्रेशन भी होने वाले हैं फुटबॉल वुटबॉल के साथ। तो मतलब काफी सारी गाइस नई नई चीजें आने वाली है OB37 में, जिन सब के बारे में इस वीडियो के अंदर डिटेल में बात करेंगे। वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा देखना है। हमेशा एक तरफ से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हो पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लेना। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले अपडेट निकल के आ रही गाइस अपनी FFWS हाइपर बुक की तरफ से। आप लोग इसके स्क्रीन पर ट्रेलर देख सकते हो, इसके अंदर जो भी आइटम्स आने वाले हैं वो सब आइटम इस ट्रेलर के अंदर दिखाए गए हैं। और गाइस देखो ये जो हाइपर बुक है आपको टॉप अप इवेंट में देखने को मिलेगी। या तो एक डायमंड का टॉप अप इवेंट हो सकता है या 100 डायमंड का टॉप अप इवेंट हो सकता है, क्योंकि बात एक ही है। अगर वो एक डायमंड का टॉप अप पे देंगे आपको हाइपर बुक तो भी आपको 100 डायमंड का ही टॉप अप करना पड़ेगा, ठीक है। तो 100 डायमंड के टॉप अप इवेंट पर भी आ सकती है या 1 डायमंड के टॉप अप इवेंट में भी आ सकती है। और इसके अंदर जो आइटम है ना गाइस नेक्स्ट लेवल होने वाले हैं। कटाना के स्किल, लैम्बोर्गिनी की स्किन, बैकपैक एंड इमोट भी गाइस इसमें काफ़ी खतरनाक है। और मैग की गन स्किन होने वाली है इसमें, मतलब यार क्या ही बोलूँ। और सबसे लास्ट में जो है ना आपको ड्रैगन का स्काइविंग देखने को मिलेगा, जो कि गोल्डन कलर का होने वाला है। उसका भी प्रीव्यू मैं आप लोगों को स्क्रीन पर दिखा दूंगा। और काफ़ी ज़्यादा तगड़ी हाइपर बुक होने वाली है FFWS की, और इसका ट्रेलर आप लोग देख ही पा रहे होंगे स्क्रीन पर, ठीक है। बाकी एक एक करके जो भी इसके अंदर के रिवॉर्ड्स हैं वो सब मैं आपको दिखा दूंगा। पिछली बार जो रैम्पेज हाइपर बुक थी उसके अंदर हमें थॉमसन की स्क्रीन मिली थी, एंड इस बार की जो FFWS की हाइपर बुक होगी उसके अंदर हमें MAG 7 की गन स्किन देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले लूट बॉक्स मिलेगा, लैम्बोर्गिनी की स्किन मिलेगी, उसके बाद में ग्लूवॉल की स्किन है थर्ड नंबर पे। सेम इसके लिए भाई टोकन चाहिए होंगे, जैसे रैम्पेज की हाइपर बुक को अपग्रेड करने के लिए टोकन चाहिए थे, तो सेम इसके टोकन होने वाले हैं। एंड लूट बॉक्स वगैरह बैकपैक वगैरह आप लोग देख ही पा रहे होंगे, ठीक है। एंड कटाना की स्किन देख सकते हो गाइस कितनी ज़्यादा ऑसम है। और उसके बाद में गाइस यहाँ पे ये अपनी MAG 7 की स्किन, ठीक है। देखो यार कितना ज़्यादा खतरनाक एनिमेशन है भाई इसका, ऑसम गाइस। उसके बाद में गाइस 7th नंबर पे यहाँ पे इमोट भी गाइस देख सकते हो कितना ज़्यादा ऑसम लग रहा है। एंड 8th नंबर पे गाइस यहाँ पे स्काइविंग है, ठीक है। 8th नंबर पे आपको यहाँ पे स्काइविंग मिलेगा, और जो स्काइविंग है उसका लुक आप लोग देख सकते हो। तो यार काफ़ी ज़्यादा ऑसम लगी मुझे तो ये हाइपर बुक, आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और गाइस आज से फ्री फायर में FFWS फाइटर्स 1 इवेंट स्टार्ट हो चुका है। साइड में आपको आइकन मिलेगा, जब आप उस पर क्लिक कर लोगे तो आप इवेंट के अंदर आ जाओगे। इवेंट का इंटरफेस कुछ इस तरीके का है। आपको गाइस यहाँ पे सबसे पहले डेली मिशन दिए जाते हैं जिनको आपको कंप्लीट करना है, एंड यहाँ से आपको ये वाले टोकन मिलेंगे, ठीक है, जो कि मेरे पास एक पड़ा हुआ है। अब ये टोकन किस काम में आएंगे, आपको कैसे यहाँ पे फ्री के रिवॉर्ड मिलेंगे वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहला जो है आपको यहाँ पे एक इवेंट देखने को मिलेगा, लॉगिन रिवॉर्ड, आपको इस पर क्लिक करना है। आपको 26 नवंबर या 27 नवंबर के बीच में लॉगिन करना है, तो आपको फ्री में गाइस एक ग्रेनेड की स्किन मिल जाएगी बिल्कुल फ्री में, ओके। उसके बाद में यहाँ पे पिक एंड विन इवेंट है, जो कि अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, ये इवेंट 21 नवंबर को स्टार्ट हो जाएगा। एंड उसके बाद में आता है गाइस यहाँ पे एक अवेकन का ऑप्शन। ये अवेकन का ऑप्शन आपको गाइस इस ये जो ड्रैगन आप लोग देख रहे हो ना इसको अवेक करने में मदद करेगा, लेकिन इसको अवेक करने के लिए आपके पास टोकन होने चाहिए, जो कि मैं आपको स्टार्टिंग में बताता था डेली मिशन वाले। अब ये टोकन आपको 20, 40, 60, 80, 100 एक तरीके से, मतलब बहुत सारे टोकन चाहिए होंगे आपको, तब जाके पूरा का पूरा ड्रैगन अवेक होएगा। और जैसे जैसे आप करते जाओगे, अगर आप 20 टोकन हो जाते हैं तो आप अवेक करते हो 20 टोकन से, तो आपको फर्स्ट में ये वाले रिवॉर्ड मिलेंगे जिसमें डायमंड वाउचर एंड एक क्रेट है। एंड जब आप ऐसे कर करके सबसे लास्ट में पहुंच जाते हो 100 का ये प्रोसेसिंग कंप्लीट कर लेते हो, तो आपको फ्री में एक पैट मिलेगा ये वाला, जिसका नाम है अर्वॉन, एंड एक यहाँ पे क्रेट बॉक्स मिल रहा है। तो ये आपको तभी मिलेगा जब आप इस पूरी प्रोसेसिंग को कंप्लीट कर लेते हो, 100 तक यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हो, ठीक है, अवेक कर करके। उसके बाद में गाइज लीग डेक इवेंट आता है, जिसके अंदर गाइज आपको यहाँ पे कार्ड मिलने वाले हैं, और ये कार्ड गाइज आपको इन क्रेट बॉक्स में मिलेंगे, जो आप लोग ये क्रेट बॉक्स देख रहे हो ना FFWS लीग डेक क्रेट, जो कि आपको इस प्रोसेसिंग में कंप्लीट करने पे मिल रहे हैं, ये कार्ड आपको वहाँ से मिलेंगे। आपको कार्ड्स को कलेक्ट करना है, एंड कार्ड्स को कलेक्ट करने के बदले में गाइज आपको फ्री में ग्लूवॉल की स्किन मिल रही है, आप लोग FFWS के कैलेंडर में देख सकते हो। तो ये तो हो गए गाइज FFWS इवेंट के अंदर की बात। अब बात कर लेते हैं FFWS इवेंट के कैलेंडर की। गाइज ये पूरा का पूरा FFWS इवेंट 15 दिन तक चलने वाला है, तो 17 नवंबर से 1 दिसंबर तक, मतलब इसमें आपको काफ़ी सारे आइटम देखने को मिलेंगे फ्री में। पहले मैंने आपको बता दिया आपको ड्रैगन अवेक करने पे फ्री में पैट की स्किन मिल जाएगी, मेरा मतलब पैट मिलेगा पूरा का पूरा। एंड कार्ड कलेक्शन में आपको फ्री में ग्लूवॉल की स्किन मिलेगी। पिक एंड विन इवेंट जो कि 21 नवंबर को आएगा उसके अंदर आपको वाउचर्स मिलेंगे,
पीक डे लॉगिन करने पर आपको फ्री में ग्रैंड की स्किन मिल रही है, किल इवेंट आएगा जहाँ पे आपको किल करना है, मिशन होंगे वहाँ पे आपको ये सफर बोर्ड की स्किन मिल रही है, ट्रैवल मिशन होंगे, गाड़ी की स्किन मिल रही है, प्ले मिशन होंगे, आपको एक बैकपैक की स्किन मिल रही है, और एक हेल्प अप इवेंट आएगा जहाँ पे आपको अपने टीममेट्स की हेल्प करनी पड़ेगी, वहाँ पे आपको लूट बॉक्स दिया जाएगा। उसके बाद में गाइस 25 से 26 नवंबर 27 नवंबर के बीच में आपको यहाँ पे एफएडब्ल्यूएस के टूर्नामेंट देखने को मिलेंगे जहाँ पे आपको भर भर के रिडीम कोड मिलने वाले हैं। और अगर आप कोई भी रिडीम कोड मिस नहीं करना चाहते हैं तो अपने टेक्नो भाई को ना इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, टेक्नो भाई 7 यूजर नेम है, अभी के अभी जाओ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो अगर आप कोई भी रिडीम कोड सबसे पहले लेना चाहते हो तो, ठीक है। एंड उसके बाद में गाइस कार्ड कलेक्शन के मैंने आपको बता दिया, एंड ड्रैगन अवेक करना है वो कैसे करना है यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। तो ये सब गाइस एफएफडब्ल्यूएस इवेंट के अंदर आने वाले हैं, एंड कैसे आपको क्या कब मिलेगा वो सब मैंने आपको बता दिया है, होप आपको अच्छे समझ में आ चुके होंगे। तो चले गाइस बढ़ते हैं अब नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो गाइस नेक्स्ट अपडेट निकल के आ रही है अपने न्यू ईवीओ गन की तरफ से। बहुत बंदे कंफ्यूजन में कि यार इस OB37 अपडेट में हमें कौन सी नई ईवीओ गन स्किन देखने को मिलेगी। अब गाइस देखो फ्री फायर के मॉडरेटर तो यहाँ पे दो ईवीओ गन को बता रहे हैं, पहला तो अपनी ईवीओ A94 होगी जो कि पिछले अपडेट्स में भी निकल के आई थी, लेकिन जो एक और न्यू यहाँ पे ईवीओ गन निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है गाइस अपनी AC80 की ईवीओ गन स्किन, आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ठीक है। लेकिन गाइस फ्री फायर के ऑडियंस अभी भी कंफ्यूजन में कि इस OB37 अपडेट के अंदर हमें इन दोनों ईवो गन में से कौन सी ईवो गन स्किन देखने को मिलेगी। तो देखो यार सबसे पहले आप इन दोनों ईवो गन्स के रिव्यू देख सकते हो, पहले आप AC80 का रिव्यू देख लो, इसके एट्रीब्यूट्स, किल इफेक्ट, हिट इफेक्ट, फायरिंग इफेक्ट, इमोट वगैरह सब कुछ आप लोग देख लो, ठीक है। तो अपनी AC80 की जो ईवो गन स्किन है काफ़ी ज़्यादा धांसू होने वाली है भाई, और चांसेस तो गाइस मुझे इसी के लग रहे हैं, मतलब अपनी जो AC80 की ईवीओ गन स्किन है ना वायरस OB37 अपडेट में आ सकती है, लेकिन जो अपनी ईवीओ N94 है वो भी यार अपनी पिछली बार से पोस्टपोन होती हुई आ रही है, तो हाई चांसेस तो गाइस मुझे AC80 के लग रहे हैं, लेकिन फ्री फायर का मूड का कुछ नहीं पता, ये हो सकता है AC80 की जगह ईवीओ N94 को डाल दें। बाकी आप बताओ कमेंट बॉक्स में आपको इन दोनों ईवीओ गन स्किन में से कौन सी ईवीओ गन स्किन अच्छी लग रही है, और आप इस अपडेट में कौन सी ईवीओ गन स्किन को मंगाना चाहते हैं, जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में। तो चलिए गाइस अब बात कर लेते हैं अपने ईवीओ फीस्ट के बारे में, लेकिन उसके बारे में जानने से पहले यार इस वीडियो को ना जोर से लाइक कर देना, चैनल पर नए हो पहली बार हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को और पे सेट कर लेना। तो गाइस देखो सबसे पहले आप अपने ईवीओ फीस्ट का लुक देख लो भाई, लेवल 1 का एंड लेवल 5 का। आप इन ईवीओ फीस्ट को सिर्फ लेवल 5 तक ही अपग्रेड कर सकते हो, लेकिन यार लेवल 5 तक ही ना आपको काफ़ी सारे इसके तगड़े तगड़े इफेक्ट एनिमेशन वगैरह मिल जाते हैं। तो सबसे पहले इसके इफेक्ट वगैरह की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आता है कि यहाँ पे अटैक इफेक्ट आप लोग देख सकते हो जो कि लेवल 1 पे ही आपको मिल जाएगा, एंड उसके बाद में लेवल 2 पे आपको इसका न्यू लुक मिलेगा एंड हिट इफेक्ट मिलेगा, ठीक है। लेवल 3 पे गए आपको किल इफेक्ट मिलेगा, किल अनाउंसमेंट मिलेगा, और लेवल 4 पे गए आपको इसका इमोट भी मिलने वाला है, ठीक है। लेवल 4 पे गए आपको इसका इमोट मिल जाएगा फीस्ट का, और इमोट आप लोग देख रहे हो कितना ज़्यादा ऑसम लग रहा है गाइज, मस्त लग रहा है गाइज इमोट तो, एंड साथ में रन इफेक्ट भी आपको लेवल 4 पे मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप इसे लेवल 4 तक अपग्रेड कर लेते हो तो आपका इसका रन इफेक्ट भी मिल जाएगा, लेकिन लेवल 5 पे जो इसका लुक होने वाला है ना गाइज वो एकदम डेंजर होगा, मैं क्या ही बोलूँ यार उसके बारे में। देख सकते हो एनिमेशन देखो गाइज किस तरीके से निकल रहा है ईवो फीस्ट में से, भाई गजब लगे यार मुझे तो क्या ही बोलूँ। आपको ये ईवो फीस्ट कैसे लगे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। गाइज देखो ईवो फीस्ट का तो फुल रिव्यू मैंने कर दिया है, अब बात कर लेते हैं इसकी कंफर्म डेट एंड इवेंट की। गाइज देखो डेट तो निकल के आ चुका है जो कि आप लोग खुद FFWS के इवेंट के बैनर पे देख सकते हो, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है ईवो फीस्ट, लेकिन ईवो फीस्ट के नीचे ना MAG 7 की स्किन दी गई है। अब क्या ही बोलूँ मैं, ईवो फीस्ट जहाँ तक गाइज आपको 20 नवंबर से देखने को मिल जाएंगे अपने इंडिया सर्वर के अंदर, जो कि 4 दिसंबर तक चलने वाला है वो इवेंट। अब इवेंट कौन सा होगा, या तो वो फेरेड व्हील इवेंट हो सकता है या कोई और सा वेब इवेंट भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ मॉडरेटर तो बता रहे हैं कि भाई ये गैलेक्सी टावर करके इवेंट में आ सकता है, क्योंकि बाकी कुछ सर्वर में गैलेक्सी टावर इवेंट में आने वाला है, मेरा मतलब टोकन टावर से, ठीक है। लेकिन गाइस यहाँ पे आपके 1200 डायमंड में ही ईवो फीस निकल जाएंगे, उससे ज़्यादा डायमंड खर्च नहीं होंगे, क्योंकि भाई अपग्रेड करने में तो डायमंड लगने वाले हैं, तो समझ सकते हो गाइस आप लोग, ठीक है। एंड 20 नवंबर तक वेट कर लो, आपके ईवो फीस आ जाएंगे अपने इंडिया सर्वर के अंदर। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही था, वीडियो आपको पसंद आई होगी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लेना। तो चलिए गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय।